बिहार मांगे शिक्षक और बिहार के स्कूलों में स्टूडेंट्स के ड्रॉपआउट रेट, ये बताने के लिए काफी है कि कल को इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था का आने वाला कल क्या होने वाला है। लेकिन अफसोस कि इतनी किरकिरी होने के बाद भी जागरूकता की इतनी कमी है और ये चिंता का विषय है। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर ठगने से अच्छा होगा कि सरकार बस लोगों को एजुकेशन का महत्व समझा दे। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। बिहार के सभी 3800 जिलों में शिक्षक और शिक्षा की वर्तमान स्थिति दयनीय है। लगभग 3500 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, जिसके कारण बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ है कि लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती हैं। बिहार में ये देखा जा रहा है कि लड़कियां ड्रॉपआउट रेट की संख्या में सबसे आगे हैं, और ये इसलिए क्योंकि सुविधाओं का घोर अभाव है। आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि सरकार और शिक्षा विभाग कितनी बेपरवाह है। कहते हैं कि अगर किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाए तो वो राज्य विकास से कोसों दूर हो जाता है। कभी चरवाहा विद्यालय तो कभी स्कूल चले हम नारों के साथ बिहार की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके बावजूद भी शिक्षा की बदहाली दर्शन मात्र से भी हो जाती है। आज स्थिति ये है कि यहाँ की बद से बदतर शिक्षा व्यवस्था अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीण इलाकों में विद्यालय तक पहुँचने का एकमात्र साधन गांव की कच्ची पगडंडी। सोचिए ना कि बरसात के मौसम में विद्यालय का पठन पाठन का कार्य किस तरीके से महीनों ठप रहता है, तो उन बच्चों का क्या जो उसमें पढ़ाई करते हैं। बिहार में शिक्षकों की खूब कमी है और उनकी बहाली डिग्री के आधार पर होती है। डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ। परिणाम ये हुआ कि बीएड कॉलेजेस में डिग्री बेचने का धंधा शुरू हो गया और ये आज भी जोरों शोरों से चल रहा है। डिग्री खरीद कर आज सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षक है, गरीब छात्रों के भविष्य के निर्माता। ऐसे शिक्षक जो स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, वो छात्रों को कैसे शिक्षा देंगे, ये सोचने वाली बात है। और बची खुची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। कोविड महामारी के कारण देश भर में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर हुआ है और बिहार के सरकारी स्कूल तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर 4 चांद लगाने के लिए काफी है। ये बस एक समस्या है और जैसा कि कहा जाता है कि हर एक समस्या का समाधान होता है, तो हाँ, यहाँ भी समाधान है, बिल्कुल है। इसके लिए सरकार द्वारा एक जांच कमेटी का निर्माण करना होगा, जिसके द्वारा हर विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता का जांच हो सके। यदि वो योग्य नहीं हुए तो उन्हें अल्टीमेटम दिया जाए ताकि वो खुद को प्रूफ कर सके। भ्रष्ट शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाए, इससे विद्यालय में केवल योग्य शिक्षक रह जाएंगे। साथ ही योग्य शिक्षक प्रतिदिन पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, इसका भी एक रिपोर्ट प्रिंसिपल को सौंपा जाना चाहिए, जिसमें यह भी दर्शाया जाए कि छात्रों ने कितनी ज्यादा प्रगति की। ये भी हिदायत दी जाए कि जांच कमेटी कभी भी छात्रों से पूछताछ करने आ सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो इस राज्य की भी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाए। इस राज्य के बच्चे फिर रोड पर बैठकर नौकरी नहीं मांगेंगे, बल्कि इस राज्य की तरक्की के लिए नए नए आयाम लिखेंगे। और ये तब मुमकिन होगा जब आप इस राज्य के छोटे छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, क्योंकि किसी भी अच्छे शिक्षा व्यवस्था के लिए उसके जड़ का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वही खराब होगा तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल, आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये पता चल सके कि बिहार में ड्रॉपआउट रेट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।